तो एग्ज़ाम आ चुके हैं यहाँ भाई से वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर हमको एक गलती पड़ेगी बहुत बारी। ये है माइनक्राफ्ट हार्ड कोड वर्ल्ड और यहाँ पर हम करेंगे 25 डेज सर्वाइव। और यहाँ पर लिटरली हम अपना वर्ल्ड बनाएंगे। लिटरली हमको यहाँ पर 25 डेज सर्वाइव करना है विदाउट एनी डेथ्स। तो गाइस स्पॉन होते सबसे पहले हमने यहाँ पर पेड़ काटा। हमारे साइड पर था एक विलेज। जल्दी जल्दी हम विलेज में चलेंगे और पहले हम बना लेते हैं अपने वर्ल्ड के प्लैंक्स। फिर हम बनाएंगे अपने के लिए क्राफ्टिंग टेबल और फिर हम विलेज में चलेंगे भैया। विलेज में पहुँचते ही हमको यहाँ पर खाने का भंडार मिलेगा। खाने के भंडार चुकने के बाद हमको एक ब्लैक स्मिथ दिखा। ब्लैक स्मिथ में था भैया एक पिकैक्स और 2 आयरन की लैगिंग एंड ऑब्सीडियन एंड हमको गोल्ड ही मिल गया था। और यहाँ पर हमको देखिए एक सिप क्रैप में जाने के बाद हमको वहाँ पर भी बहुत सारा आयरन एंड एमरल्ड एंड लेबेज लेजुली मिल गया। और वहाँ पर हमको निकलने के बाद हमको वहाँ पर भैया एक आयरन गोलम मिला। आयरन गोलम को छेड़ा हमने। उसके बाद हमने एक शील्ड बनाई। शील्ड बनाने के बाद भैया हमने एक्सेस आयरन गोलम को भैया चटका दिया लिटरली। और वहाँ पर हमको हमने बनाई यहाँ पर उस आयरन की यहाँ पर भैया एक चेस्ट प्लेट बनाने के बाद हमको बनानी थी एक स्वॉर्ड भी बना ली हमने। फिर हमने एक टॉर्च उठाई और वहाँ पर हाथ में डाल लिया। और वहाँ पर हमने साइड पर रखा अपना सामान सारा का सारा चेस्ट में और बेड कलेक्ट कर लिया। और फिर हम आयरन को खोदने चले गए। बहुत सारा आयरन हमको केव में जाके मिलता है। यहाँ पर कोल भी कलेक्ट कर लिया हमने रास्ते में। बहुत सारा कोल कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर आयरन भी कलेक्ट कर लिया। तो फिर हमने अपना हमारा पहला ज़ॉम्बी भैया। फिर हम लग गए भैया आयरन को कलेक्ट करने में। फिर हमने यहाँ पर अपना आयरन स्मेल्ट किया। आयरन स्मेल्ट करने के बाद हमने एक बकेट बनाई। फिर हमने यहाँ पर अपना पानी क्लेट कर दिया। और फिर हमने यहाँ पर बूट बनाए। फिर एक हेलमेट बनाया हमारा अपना आर्मर पूरा कर लिया। फिर हम चले गए भैया डैम की खोज में। थोड़ी देर के बाद हमको एक डायमंड मिला। सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला डायमंड, जिसको हमने क्लेक्ट कर लिया। बारिश तो हम एक और विलेज के पास भैया निकले। मेरे ख्याल से वही विलेज था, लेकिन भैया हमने अंदर जाके देखा तो ये भैया एक और विलेज था जिसमें था एक और ब्लैक स्मिथ, जिसमें हमको मिल गए भैया लिटरली 4 डायमंड, जिसको क्रैक करते ही हमारे पास हो गए 48 डायमंड। और हमारे को यहाँ पर ऑक्सीडियन भी मिल गए थे कुछ ना कुछ, और आयरन भी मिल गया था। सामने था एक क्रैक जिसके हमको टेस्ट खोल के देखे तो भैया उसमें था बिल्कुल ही फालतू सामान, जिसको हमने वहीं छोड़ दिया। फिर हमने यहाँ पर एक पोर्टल देखा जिसमें था 2 एक्स भैया गोल्डन वाली इंचेंटर, तो भैया वो भी हमने कलेक्ट कर ली। फिर हमको एक और से क्रैक दिखी, ये थोड़ी बड़ी थी, ये इसमें हमको भैया लिटरली 2 डायमंड्स मिल गया। और कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर एमरल्ड मिल गए, हमारे पास हो गए थे 40 डायमंड। और लिटरली हमको यहाँ पर भैया शुगर केन भी कलेक्ट कर लिया। और फिर हमने चेस्ट बना के भैया वहीं पर अपना डेरा लगा लिया। वहीं पर हमको अपना बेस बनाना था। एरिया क्लियर करने के लिए हमको यहाँ पर एक डायमंड की शवल बना ली। फिर हमको लग गए एरिया क्लियर करने में। एरिया क्लियर कर दिया और फिर दूसरे दिन हमने यहाँ पर भैया शुगर केन की फार्मिंग की। शुगर केन लगाने के बाद हमने यहाँ पर बहुत सारी जो है वुड कलेक्ट की। वुड कलेक्ट करने के बाद हमको भैया एक ब्रिज बनाना था। हम लग गए ब्रिज बनाने में। थोड़ी देर के बाद हमने यहाँ पर अपना ब्रिज जो है जो कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमको यहाँ पर इधर का एरिया क्लियर करना था, तो हम वो करने लग गए। और हमने यहाँ
पर एनिमल्स रखने के लिए यहाँ पर एक एरिया बना लिया था। फिर मैंने एक एक करके सभी एनिमल्स को इस एरिया में लाया। पहले हमने पिग लाया, पिग लाने के बाद हमने भैया सुबह काउ लाई, तो काउ लाने के बाद भैया सभी एनिमल्स मेरे इकट्ठे आ गए, तो भैया उनको भी मैंने इस वाड़े में डाल लिया, तो भैया एक विलेजर भी फंस गया इसमें बेचारा। और फिर हमने अपना विलेज है ये कुछ ऐसा कम्प्लीट कर दिया, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था कुछ ऐसे मेरे को। फिर हमने कुछ यहाँ पर शुगर केन्स कलेक्ट किए। फिर इसके बाद हमने बनाना था भैया एक मीट का फार्म ऑटोमेट का, तो हम वो बनाने में लग गए। तो उसके लिए हमको यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर टाइप बनाना होगा पहले। अपना बीट फार्म ऑटोमेटिक बना दिया है, ये बहुत ही बढ़िया बना है। और ये देखो भैया ये ग्रो होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। फिर इसके बाद भैया हमने की विलेजर से अपने फ्लेचर से ट्रेडिंग, जिसके लिए हमको यहाँ पर स्टिक्स चाहिए होंगे, इस स्टिक्स से हमने की भैया इसके फ्लेचर के हिसाब से ट्रेडिंग, जिससे हमने एफिशिएंसी 5 खरीदी। एफिशिएंसी 5 खरीदने के बाद भैया हमने बनाई है एक एक्स, जिसके बाद हम चले गए भैया वुड काटने। वुड काटने के बाद भैया हमने यहाँ पर वो वुड की बनाई स्टिक्स। स्टिक्स बनाने के बाद भैया हमने उस विलेजर के साथ की ट्रेडिंग बहुत सारी। लेकिन भैया उस विलेजर ने थोड़ी देर में भैया ट्रेडिंग जो है बंद कर दी। बंद करने के बाद फिर हमने भैया बनाया एन्चेंटमेंट टेबल। एन्चेंटमेंट टेबल रखने के लिए हमारे पास घर नहीं था, तो भैया हम वो बनाने में लग गए। फिर वो घर में थोड़ी देर में भैया मैंने कम्प्लीट कर दिया लिटरली। यहाँ पर वो उस पर मैंने ग्लास वगैरह लगाई है, तो भैया बहुत ही बढ़िया लग रहा था। ये देखो हमने यहाँ पर लिटरली ये घर जो है कुछ ऐसा कम्प्लीट ऊपर से कर दिए हैं। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर नीचे दरवाज़ा, लिटरली यहाँ पर हम रख देते हैं हमारा एन्चेंटमेंट टेबल, और साइड पर रख देते हैं। अब हम यहाँ पर जो भी है बुक सेल्फ वगैरह रख देते हैं जल्दी जल्दी। और भैया हमने यहाँ पर बुक सेल्फ भी रख दी हैं, और यहाँ पर लिटरली हमने बनाया सारा का सारा हमारा आर्मर सेट। और हमने बूट बना लिए, अपनी लेगिंग बना ली, और यहाँ पर हमने बना दिया भैया हेलमेट। लेट्स गो गाइज। और फिर हमने किया भैया इसको रैंडमली एन्चेंट। हमने पहले बूट किए, फिर हमने किया चड्डी, फिर हमने किया हेलमेट, फिर हमने किया चेस्ट प्लेट। लेट्स गो गाइस। हमने यहाँ पर लिटरली एन्चेंट करके हम अपने ऊपर पहन लिया है। अब हमें इसके बाद भैया आयरन को स्मेल्ट करने के बाद हम चले गए ब्लेजर के साथ ट्रेडिंग करने। ट्रेडिंग करने के बाद भैया हमने कुछ अपने वीट फार्म को कलेक्ट किया, और ये लिटरली पानी छोड़ता है और अपने आप हमको वीट है जो कलेक्ट करके देता है। लिटरली ये हम बहुत सारी कलेक्ट कर लिया है हमने इससे। और इसके बाद भैया हमने बनाया एनविल। एनविल बनाने के बाद भैया हमने उसको प्लेस कर दिया, और वहाँ पर हमने बनाई पिकैक्स। पिकैक्स बनाने के बाद भैया हमने यहाँ पर उसको एन्चेंट किया। एन्चेंट करने के बाद हमने एक आयरन गोलम के साथ पंगा ले लिया, लेकिन भैया वो हमारे ऊपर भर गया भारी, और उसने हमारी बैंड बजा दी। लेकिन भैया तुम्हारा भाई कर्ण से डरने वाला था, फिर हमने उसकी भी बजा दी बैंड, उसको भी हमने टपका दिया उसको। फिर हमने एक ब्लेजर से ली भैया इन्फिनिटी की बुक। इन्फिनिटी की बुक लेने के बाद हमने अनब्रेकिंग वाले बंदे को भी यहाँ पर एक कैप्चर कर दिया, फिर उससे अनब्रेकिंग ले ली एक। लेट्स गो। फिर हमने अनब्रेकिंग लेने के बाद भैया हम एक ब्लेजर को लग गए कन्विंस करने मेंडिंग के लिए। मेंडिंग भी दे दी फिर थोड़ी देर में उसने हमको। फिर हमने सभी के सभी टूल्स पर मेंडिंग अनब्रेकिंग लगा दी। हमने एक बो बना ली। बो बनाने के बाद चेस्ट प्लेट एन्चेंट की। चेस्ट प्लेट एन्चेंट करने के बाद हमारे पास पड़ गई भैया एक्सपी की कमी, तो भैया एक्सपी की कमी पूरी करने के लिए हम लग गए भैया एक्सपी फार्म बनाते। लेट्स गो, हम एक्सपी फार्म बनाते हैं अब जल्दी जल्दी।
फार्म बनाने के बाद हम थोड़ा देर एफ के आगे और नीचे आने के बाद हमको यहाँ पर ढेर सारे मौज मिले उनको मार कर लिया हमको लिटरली 20 एक बार में ही मिल गई थी यहाँ पर। यहाँ पर इस ऑफ के जरिए सारा सारा सामान जो कलेक्ट होगा इस चेस्ट में होगा और फिर जाना था हमको नैदर में। रूइंड पोर्टल था जो हमारा, उसके हमको यहाँ पर तोड़ दिए क्राइंग ऑक्सीडियन। क्राइंग ऑक्सीडियन तोड़ने के बाद भैया हमने उसको कर दिया यहाँ पर ऑक्सीडियन लगा के कम्प्लीट। और फिर भैया हमने यहाँ पर वो उसने कैंस्टीन बुलाए थे तो भैया वो चकने गए। वो चकने के लिए याद आया भैया हमको यहाँ पर गोल्डन कैरेट भी बनानी थी। गोल्डन कैरेट बना ली क्योंकि वहाँ पर हमको ज़्यादा हेल्थ की ज़रूरत होगी, ये थोड़ी ज़्यादा रीजनरेशन देती है हमको गोल्डन कैरेट। फिर हमने यहाँ पर फूड लगाया था वो भी कलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर। और फूड कलेक्ट करने के बाद भैया हम गए नेदर पोर्टल में को इग्नाइट करना था और यहाँ पर हमको अब करना है इग्नाइट नेदर पोर्टल को। लेट्स गो गाइस, हमने यहाँ पर इग्नाइट कर दिया, हम अब चलेंगे नेदर में। तो लेट्स गो गाइस, सस्ते नशे हो रहे हैं अब हमको। अब भैया हम पहुँच गए हैं यहाँ पर लेट्स गो गाइस नेदर में। तो हम यहाँ पर नेदर में पहुँचने के बाद थोड़ी देर में हम इधर उधर भैया डोले, फिर हम कारे पीछे पड़ गए भैया जॉम्बीज पिगलिन जो भी होते हैं। लेकिन भैया हमको यहाँ पर उनके चक्कर में मिल गया एक फोर्ट्रेस के पहुँचने के चक्कर में हम गिरने वाले थे भैया हम, लेकिन बच गए। फिर हमने मारी अपनी पहली विलेज, फिर हमको उसको मारने के बाद भैया हम उधर को उसकी विलेज कलेक्ट करने जा रहे थे। फिर हमारे कदम बढ़ गए भैया एक नेदर फोर्ट्रेस में हमको एडवांसमेंट मिल गई क्योंकि फिर हमने उसको किया कलेक्ट। फिर हमारी फाइट हुई भैया स्केलेडन से। स्केलेडन को भैया हमने बहुत आसानी से मार दिया। उसको मारने के बाद भैया हमको आग लगा दी थी दूर से विलेज राउंड में। तो भैया मारने के लिए उसके कमर पर ही पहुँच गए, इंग्लिश कब्जे पर पहुँच गए उनको मारने के बाद। थोड़ी बहुत विलेज राउंड तो इकट्ठा की लेकिन भैया बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रही थी भागना पड़ा। इसलिए हमने लिटरली यहाँ पर मुझके दो हाथ पर छोड़ा था क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं कैसे बचाऊँ उनसे ये गोल्डन कैरेट की वजह से। लेकिन कोई और फूड होते थे भैया मैं नहीं बस था गया, फिर मैंने खुद को कवर किया। फिर हम पहुँच गए दोबारा से भैया पर। फिर मैंने वहाँ पर कुछ भैया ब्लॉक से लगा इधर उधर तो भैया मैं कवर हो गया। तो भैया जहाँ पर एक स्पॉन होगी तो भैया मैं उनको लिटरली मारता जाऊँगा। तो लेट्स गो गाइस, हम ब्लेज रॉड इकट्ठी करते हैं। यहाँ पर लिटरली मैंने यहाँ पर 12 ब्लेज रॉड जो हैं इकट्ठी कर लिए हैं। ब्लेज रॉड इकट्ठी करने के बाद हमको एक बेस्ट एंड बेस्ट हमको ये थोड़ी देर में ही मिल गया। और यहाँ पर हम की फाइट हो गई भैया एक गास्ट से। गास्ट के तक हमारा तीर तो नहीं पहुँचा लेकिन भैया जो वो फायर बॉल छोड़ती है वो हमने उसकी लिटरली वापस को ऐसे मोड़ दी लिटरली यहाँ पर। और फिर हमको यहाँ पर नेदर बेस्टमेंट करके बहुत सारी चेस्ट को लूटा और पहली में आयरन मिला और दूसरी में भैया गोल्ड मिला एंड सबल मिल गई और भैया लेगिंग मिल गई। और यहाँ पर हमको मिल गया लिटरली आयरन की स्वॉर्ड जो एंचेंटेड थी। और यहाँ और इस चेस्ट में हमको भैया मिल गए बहुत सारे ऑब्सीडियन एंड गोल्डन एप्पल। और यार इस चेस्ट में हमको मिल गई थी एक गोल्डन की एक्स। और ये बड़े वाली चेस्ट में तो भैया हमको लिटरली यहाँ पर एंशिएंट डेब्रिज मिल गया जो कि बहुत ही रेयर होता है। और फिर हमने की यहाँ पर भैया ये जो फल होते हैं यहाँ पर नेदर में वो हमने कलेक्ट किया। और फिर हम पहुँच गए हमारे ओवर वर्ल्ड में नेदर के पास। और नेदर पोर्टल के पास पहुँचने के बाद हम चले गए भैया अपने ओवर वर्ल्ड में। थोड़ी देर में हम अपने ओवर वर्ल्ड में पहुँचने के बाद हमने वो सारा का सारा सामान जो हमने नेदर में कलेक्ट किया था वो हमने यहाँ पर लिटरली चेस्ट में रख दिया। और यहाँ पर वो हमको ये सारा सामान मिला था हमको। तो हमको करने थे भैया विलेजर शिफ्ट हमारे घर में जो हमको एंटेनमेंट रूम था वहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर ब्रिज बनाया। ब्रिज बनाने के बाद हमने यहाँ पर उसमें लगाया एक पिस्टन। फिर हमने विलेजर को किया भैया ऐसे ऊपर। फिर हमको सभी के सभी विलेजर को ऐसे ही हमारे वो टाउन में लेस जाना था। तो लिटरली हमने पहला विलेजर तो यहाँ पर ला दिया है। लिटरली हमने सारे के सारे विलेजर ही ऐसे लाए। उनके लिए यहाँ पर हमने बेड भी लगा दिए। फिर हमने उनके यहाँ पर जॉब ब्लॉक्स भी रख दिए। और जॉब ब्लॉक रखने के बाद फिर भैया एक विलेजर से हमने स्माइट वाइब लेके अपनी स्वॉर्ड पर लगा दिया लिटरली। और वेपिंग एज भी लगा दिया। और यहाँ पर फिर हम चले गए भैया आउटपोस्ट ढूंढने प्लेजर का। फिर हमने आउटपोस्ट ढूंढ लिया थोड़ी देर में। फिर हमने उसका भैया बॉस मार दिया। बॉस मारने के बाद हमको मिल गया एक ह्यूमन बैड ह्यूमन इफेक्ट। तो भैया हमने उसको मारा तो भैया हमको वो भी मिल गया लिटरली यहाँ पर।
तो वो मिलने के बाद हम पहुंच गए भैया हमारे विलेज में। विलेज में पहुंचने के बाद हमको यहाँ पर लिटरली यहाँ पर तुरंत ही रेड होने शुरू हो गई, तो हमने यहाँ पर विलेजर को भी यहाँ पर घर में ही बंद कर दिया था। इसलिए यहाँ पर लास्ट इवोकर मारने के बाद भैया हमको मिल गया विलेज हीरो का टैग। लेट्स गो गाइस, हमने यहाँ पर ये रेड जीत लिया और यहाँ पर हमने उस मान गिरा था एक्सपी वगैरह एमरल्ड वगैरह वो सब कलेक्ट किए। फिर हम पहुँच गए विलेज के हाउस में, उन्होंने हमको भैया गिफ्ट दिया, किसी ने बुक दी, किसी ने भैया क्या दिया, किसी ने बहुत बढ़िया सामान दिया, किसी ने बहुत बेकार सामान दिया, लेकिन भैया इन लोगों ने हमको गिफ्ट दिया। और वहाँ पर हमने जो गड्ढे हमको बने थे रेड के दौरान वो हमने भरने की कोशिश की, तो भैया हमारे ऊपर पंछियों ने अटैक कर दिया क्योंकि हम बहुत देर से भैया सोए नहीं थे, तो भैया हमारे ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन भैया हमने उनको एक एक करके तीर कमानों से मारा, लातों से मारा, कीतों से मारा। और भैया गड्ढे के भरने के बाद हमने सोचा हमने अब घर बनाना है, तो भैया हमने एरिया क्लियर करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में हमने सब सूखनी दिखाई दी, तो भैया हमने रीजनरेशन भी किया, लेकिन भैया हमने वहाँ पर TNT बना ली। TNT से थोड़ा सा जल्दी फूटेगा हमारा वो पहाड़, तो इसलिए हमने एक एक TNT करके उनको प्लेस करना शुरू कर दिया। फिर हमने एक एक TNT को इग्नाइट कर किया, और इग्नाइट करने के बाद भैया पहाड़ लिटरली यहाँ पर उड़ एक साथ ही उड़ गया, और यहाँ पर लिटरली ये भी कर दिया हमने इग्नाइट, और ये भी फूट गया, और लिटरली हमने वो भी कर दिया, वो भी फूट गया। लिटरली ये सारा का सारा पहाड़ क्लियर करने के बाद हमने सारा एरिया यहाँ पर हमने फ्लैट कर दिया। सारा एरिया फ्लैट करने के बाद हमने भैया विलेजर से कर दिए थे ब्रिक्स, क्योंकि ये ब्रिक्स हम अपने घर को बनाने में यूज़ करने वाले हैं। ये मटेरियल बहुत ही अच्छा है, ये देखो ब्लॉक बढ़िया सा लग रहा है, ये ब्लेजर से लिया हमने। और लिटरली यहाँ पर हम अपने घर की अब यहाँ पर स्टेयर जो है लगा देंगे। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर कुछ घर हम इस थीम का बनाने वाले हैं, ब्लैक एंड रेड वाला। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर हमने लिटरली यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर सीढ़ी लगा दी हैं। लेट्स गो, और यहाँ पर हम अब साइड पर लगा देते हैं अब ब्लैक स्टोन की। यहाँ पर वाल्स ब्रॉल लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे भैया गाँव के फैंस कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ये देखो। और लिटरली हमको ये दोनों साइड कंप्लीट करने हैं, और यहाँ पर हमने ये दोनों साइड कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर हमको बनाना है अपना फ्लोर, ये हम ब्लैक फ्लोर बनाएंगे। लेट्स गो, ये बहुत ही कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है इसका, इसलिए बनाएंगे हम। थोड़ी देर में हमने यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद फ्लोर यहाँ पर साइड पर बॉल लगानी शुरू कर दी, ये कुछ इस टाइप से बॉल लगानी शुरू कर दी। और यहाँ पर हमने ये थोड़ी देर में ये बॉल भी कंप्लीट कर ली। लेट्स गो, फिर हमने यहाँ पर अपने घर के चारों पिलर बना दिए कुछ इस टाइप से। और चारों के चारों पिलर बनाने के बाद हमने भैया घर का जो है कुछ इस टाइप का फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। हमने कुछ इस टाइप का फ्रेम बनाना चाहा, तो भैया हमने ऊपर भी ऐसा कुछ लकड़ी का फ्रेम बनाया, और लकड़ी का फ्रेम बनाने के बाद हमने उसको लिटरली यहाँ पर स्ट्रिप कर दिया क्योंकि ये बढ़िया लग रहा था। कुछ स्ट्रिप करने के बाद हमने कुछ ऐसा गेट बनाया, फिर हमने यहाँ पर कुछ ऐसे सभी का सभी ग्लास लगा दिए, यहाँ पर कम्प्लीट कर दिया ग्लास लगा के, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है अब। लेकिन भैया ये देखो बिहाइंड ऑफ द सीन घर हमने कुछ ऐसा बना दिया, फिर हमने यहाँ पर कुछ ऐसा रखा है, और फिर हम ऊपर जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पर अब बनाना है ऊपर एक फ्लोर। फ्लोर बनाने के बाद हम उसके ऊपर भी हम कुछ रखेंगे, रखने के लिए हम वो फ्लोर बनाएंगे। लिटरली यहाँ पर हमने ये फ्लोर भी कंप्लीट कर दिया, एक लेयर और रह रही है क्योंकि हम ये वुड भी लगा दिए, हमने ये लेयर भी कंप्लीट कर दी। लेट्स गो, हमने ये फालतू ब्लॉक भी हटा दिए। लिटरली हमारा घर कुछ डेंजर सा लग रहा है ऊपर ऊपर से देखने में। लेट्स गो गाइस, फिर हमने यहाँ पर सेल्फ बनानी शुरू कर दी क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर चेस्ट रख के हम अपना इसमें सामान रखेंगे क्योंकि वो बाहर फैला हुआ, तो हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे इस चेस्ट में सामान। लेट्स गो गाइस, हम यहाँ पर लिटरली चेस्ट में सारा का सारा ऑर्गेनाइज करके सामान रख देते हैं जल्दी जल्दी।
ऊपर वाले फ्लोर में हमने यहाँ पर हमारा एन्चेंटमेंट टेबल रख दिया। तो लेट्स गो गाइस, हम चलते हैं अब सीधा दौड़ के नीचे। तो गाइस हमने यहाँ पर 25 डेज जो है कंप्लीट कर ले हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर हम 50 डेज सर्वाइव करें तो आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।